ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर देश दीपक से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। कोरोना के साथ धीरे धीरे ही सही हम सब जीना सीखने लगे हैं। हर सुबह बढ़े हुए आंकड़े देखकर मन में घबराहट होती है, डर लगता है, लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद भी है कि संकट का ये दौर बीत ही जाएगा। दुनिया भर के प्रयोगशालाओं से अच्छी खबर आने की उम्मीद है। जब तक कोई शुभ समाचार नहीं आ जाता है, तब तक सावधानी के सहारे ही हम सबको अपने लिए रास्ते निकालने होंगे। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में प्रयोग हो रहे हैं। कल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। इस समय दुनिया भर में जो एक ऐसा प्रश्न है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, देखिए इसे समझने की जरूरत है। और हम अपने कार्यक्रम में कई बार बहुत विस्तार से स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात को समझा चुके हैं कि वैक्सीन का आना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके तीन चरण होते हैं। सबसे पहले ये छोटे छोटे जीव जैसे चूहे बंदर पर इसका ट्रायल होता है। दूसरा चरण जो वैक्सीन का होता है उसमें बहुत चयनित लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है और ये समझने की कोशिश की जाती है कि इससे शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, जो वायरस है उससे ये वैक्सीन कितनी लड़ रही है और उसके साथ ही साथ शरीर के दूसरे अंग जो हैं या प्रक्रिया है उस पर कोई असर नकारात्मक तो नहीं पड़ रहा है। इसके बाद बारी आती है वैक्सीन के तीसरे चरण की और ये तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसमें लाखों की तादाद पर ट्रायल होते हैं, ह्यूमन ट्रायल होता है और इसके परिणाम ही ये तय करते हैं कि वैक्सीन कितनी सफल है, कितनी कारगर है और ये किस ढंग से वायरस का मुकाबला कर सकती है। तो इसके लिए दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। भारत में जैसा कि आप सब जानते हैं आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के पीछे की कहानी ये भी है कि हमारी जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से भारत की स्थिति दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छी है। और यहाँ के मृत्यु दर की बात करें वो भी बाकी दुनिया के अलग अलग देशों की तुलना में बहुत ठीक है, लेकिन इससे हमें लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। जब भी बाहर जाएं तो सरकारी दिशा निर्देशों का प्रयोग करें। मास्क बहुत सारे लोग पहनते हैं, कान में फंसाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो मास्क उनके ठुड्डियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके चिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये समझने की जरूरत है कि जो मास्क है वो नाक और मुंह दोनों को ढका हो। डॉक्टर दीपक, हम अपने श्रोताओं से यही साझा कर रहे थे कि उन्हें समझना होगा कि मास्क सही ढंग से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ को बार बार धोएं। जब तक कि दुनिया भर के प्रयोगशालाओं से वैक्सीन को लेकर कोई शुभ समाचार नहीं आ जाता, तब तक सावधानी ही बचाव है। डॉक्टर दीपक, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जो शुभ समाचार की बात है, अच्छी खबर की बात है, कोरोना वैक्सीन की बात हो या फिर इसके इलाज में जो दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात हो, तो एक उम्मीद बंधती दिख रही है। आज ऐसी एक खबर आई कि दो दवाइयों को भारत में अनुमति मिलने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव खबर हो सकती है कि दो दवाइयां जो हमारे DCGI है उनकी तरफ से हमें अप्रूवल मिल रहा है और इनमें से एक दवाई है जो कि माइल्ड से मॉडरेट केसेस में जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में ली जा सकती है और दूसरी दवाई है जो कि सीवियर फॉर्म के लिए है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स में होगी, जो कि इंजेक्शन के तौर पे दी जाए। क्योंकि अभी तक जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक रिलेटिवली नई बीमारी है। पूरा विश्व जो है इससे पिछले करीबन 6-7 महीने से ही जूझ रहा है और हालांकि पूरे विश्व भर में इस मामले में रिसर्च बहुत जोरों से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बहुत ठोस दवाई इस चीज के लिए नहीं आई है। तो जो अभी तक बाकी देशों में जो शोध हुए हैं और हमारे देश में भी जो प्रारंभिक शोध हुए उनके बेसिस पे दो दवाइयों को अप्रूवल मिल रहा है और बहुत ही जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीन की बात करें, भारत में भी बहुत सारे जगहों पर प्रयास किए जा रहे हैं, दुनिया भर में भी कोशिशें हो रही हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल कहा कि इस वर्ष के अंत तक वैक्सीन आने की उम्मीद है, कैसे देखते हैं इस बयान को विश्व स्वास्थ्य संगठन के? देखिए, जो वैक्सीन को मार्केट में लाने का तो उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और जो प्रोसेस एक आमतौर पे 2 साल ले लेता है उसको फास्ट ट्रैक करके इस साल के एंड तक ये उम्मीद है कि कोई वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन जो है वो बहुत सारे तरीकों से बनाई जा सकती है और अगर हम बात करें तो अगर 8 तरह के डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे वैक्सीन बनाई जा सकती है तो 8ों पे काम चल रहा है। कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग हैं, उनको किस तरह से इसके लिए मॉडिफाई किया जा सकता है उस पर भी रिसर्च चल रही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी
तरीके हो सकते हैं वैक्सीन बनाने के, सभी पर पूरी तरह से रिसर्च चल रही है और हम आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक हमारे पास कोई ना कोई ठोस वैक्सीन आ जाए। डॉक्टर दीपक, एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं स्वस्थ होने की दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में जो मरीज अब आ रहे हैं अस्पतालों में और जिनको आप भी देख रहे होंगे और भारत के अलग अलग हिस्सों के स्वास्थ्यकर्मी देख रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं, पहले के मुकाबले जो शुरुआती कोरोना संक्रमण जब भारत में शुरू हुआ था फरवरी या मार्च के महीने में, उसमें और अब आपको ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस का जो खतरा है, जो उसकी शक्ति है वायरस की, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? जी नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह पाएंगे कि कोरोना की संक्रमण शक्ति में या उसकी विरुलेंस में कोई चेंज है। ऐसा तो कोई ठोस हमारे पास अभी सबूत नहीं है और शुरू में भी जो केसेस आ रहे थे वो माइल्ड की वही परसेंटेज थी। जैसा हम बार बार कहते हैं कि नियरली 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत ही माइल्ड बीमारी होती है और जिनको किसी विशेष उपचार की जरूरत नहीं होती, और बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनको भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है और नियरली 5% लोगों को आईसीयू केयर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो दरें हैं ये नियरली शुरू से ही हम यही देख रहे हैं और अभी भी यही है, तो इसमें तो कोई बहुत चेंज हमें नहीं देखने को मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की जब भी बात आती है डॉक्टर दीपक, अब जब भारत पूरी तरह खुल गया है, बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार की बात करें या फिर दफ्तर की बात करें या फिर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बात करें, अपने आप को कैसे बचाएं लोग? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और WHO ने भी कहा है कि जैसे कि एक लॉकडाउन शुरू में था और लोग उसका बहुत अनुशासन से पालन करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तो उसका पालन करना मुश्किल हो जाता है, जो कि बड़ी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग फ्रीडम चाहते हैं। इकोनॉमिक रीजंस भी ये बहुत जरूरी है कि कामकाज दोबारा से शुरू हो। तो ऐसे में अगर हम एक चीज माने जिसको हम पर्सनल लॉकडाउन कह सकते हैं कि आप काम करिए, लेकिन अगर आप अपने 6 फीट के दायरे में अपने आप को रखते हैं और किसी और के 6 फीट के दायरे में नहीं जाते, इसको अगर हम थोड़ा सा लाइटर वेन में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अपने 6 फीट का एक डायमीटर में आप हैं और अब ताले के रूप में आपने मास्क पहना हुआ है। तो अगर आपने इस तरह का एक लॉकडाउन अपने लिए किया है और सब लोग ये करें तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। वही बातें जो हम कहते हैं वही इंपॉर्टेंट है कि हैंड हाइजीन करना, हाथों को धोना, मास्क पहनना और डिस्टेंसिंग करना। जो बाजार में मास्क उपलब्ध हैं उसके बारे में भी बताएं, और जो घर में मास्क लोग बना रहे हैं कपड़ों से, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें बात समझने की ये है कि जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ और जब भारत में आया उस टाइम मास्क की एक भारी कमी थी और ऐसा लग रहा था कि शायद 1 महीने बाद मास्क अवेलेबल ना हो, लेकिन कंट्री ने इसको रिस्पॉन्ड किया बहुत अच्छे से और लोगों ने जो कि समझने लगे धीरे धीरे, और जैसे कि प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मास्क बनाना शुरू किया। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं और स्पेशली जो हम इमरजेंसी में शुरू करते हैं तो अक्सर वो परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे मास्क ऐसे आए जो कि मानदंडों के हिसाब से नहीं थे या उन पे खरा नहीं उतर रहे थे, तो अब धीरे धीरे उनमें हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। किसी भी प्रकार का मास्क, चाहे वो कपड़े का मास्क जैसे आपने कहा घर पे हो, अगर हम अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढक लेते हैं तो वो काफी हद तक दूसरे व्यक्ति को संक्रमण बचाने में कारगर है। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति पहले से संक्रमित है, जो कि रोगी है, अगर वो मास्क लगाता है तो उसके मास्क लगाने से इस इन्फेक्शन के फैलने की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छे से होती है। तो वो किसी भी प्रकार का मास्क लगा सकते हैं, साधारण कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। उसका फायदा ये है कि उसको आप रोजाना धो के और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो दूसरे मास्क हैं जो कि डिस्पोजेबल मास्क हैं, उनकी एक साइकिल होती है या उनका एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर देश दीपक से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR@talks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।